वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि सिंपल सर्कुलर कर्व के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं अब तक हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि कर्व क्या होता है, ठीक है, कर्व क्यों हम लोग बनाते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस फॉर द कर्व कंस्ट्रक्शन, कर्व के कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिफरेंट रीजन होती हैं, कितने टाइप्स के कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सर्कुलर, ट्रांजिशन, समिट कर्व, वैली कर्व, ठीक है। कर्व की डिफिनेशंस क्या होती हैं, किस पर्पज से कौन से कर्व को हम लोग बनाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल कर्व क्यों बनाते हैं, वर्टिकल कर्व क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन कर्व क्यों बनाते हैं। नेक्स्ट, सर्कुलर कर्व के कितने टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलर कर्व, ठीक है। सिंपल सर्कुलर कर्व में सिंपल कर्व होता है, एक कंपाउंड कर्व होता है, एक रिवर्स कर्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफिनीशन एंड नोटेशन ऑफ सिंपल कर्व, सिंपल कर्व में क्या क्या डिफरेंट कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनके नोटेशन क्या है और उनकी डिफिनीशन क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ये पूरा फिगर था जिसमें हम लोगों ने टेंजेंट क्या होता है, बैकवर्ड टेंजेंट क्या होता है, फॉरवर्ड टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट लेंथ क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं सर्कुलर कर्व के, सिंपल सर्कुलर कर्व के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक। ये उसके डिफिनेशंस थे। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था आपका डेजिग्नेशन ऑफ कर्व क्या होता है, डेजिग्नेशन ऑफ कर्व हम लोग रेडियस और डिग्री ऑफ कर्वेचर दोनों के फॉर्म में पढ़े थे। डिग्री ऑफ कर्वेचर दो डेफिनेशंस होते हैं, एक कर्व डेफिनेशन होता है, एक आर्क डेफिनेशन होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लिया था क्या रिलेशन है इन चीजों के बारे में। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका कि एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, ठीक है। एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं आपके सिंपल सर्कुलर कर्व के, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे फिगर में देखिए, ये पीसी है, ठीक है, ये पीसी जो है ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार और रिवाइज कर देते हैं। आपका पॉइंट ऑफ कर्व V क्या है या P क्या, PI क्या है, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ कर्व क्या होता है, पॉइंट ऑफ कर्व आपका वो होता है जहां से आपकी कर्व स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कर्व, कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। आर आपका क्या है, रेडियस है, ठीक है। यहां से सीवी जो है ये आपका मिड ऑर्डिनेट एपेक्स है, ठीक है। डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा है डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा क्या है आपका, डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। फाई क्या है आपका, फाई है आपका इंटरसेक्शन एंगल, फाई क्या है आपका इंटरसेक्शन एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पीटी, पीटी क्या है, पीटी या पी टू टी क्या है आपका, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या फिर ये पॉइंट जहां पे आपका कर्व एंड होता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है आपका। तो ये डिफरेंट आपके क्या है, एलिमेंट्स है सर्कुलर, सिंपल सर्कुलर कर्व के, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जो फिगर है इसमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन है कि कौन से क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वन बाय वन देखिए, बैक टेंजेंट वो टेंजेंट जहां से आपके कर्व के पीछे जो मतलब टेंजेंट जहां से कर्व स्टार्ट पॉइंट होता है उसके बैक में जो टेंजेंट हम बनाते हैं वो क्या होता है, बैक टेंजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऑफ कर्व स्टार्ट होता है, पॉइंट ऑफ कर्व मतलब जहां से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे आपके फॉरवर्ड टेंजेंट और बैकवर्ड टेंजेंट को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो जहां पे वो पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर आता है आपका टेंजेंट लेंथ, तो पॉइंट ऑफ कर्व से लेके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच में जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो लेंथ कहलाती है टेंजेंट लेंथ। सिमिलरली इस तरह करके सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है कि वन बाय वन हमको किस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में
और उससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है उसको देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका आएगा वो है लेंथ ऑफ, ठीक है, ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कर्व जो आपका T1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी PT, PI क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, डेल्टा क्या है डिफ्लेक्शन एंगल, फाई क्या है इंटरसेक्शन एंगल, आर क्या है रेडियस ऑफ कर्व और CD क्या है मिड ऑर्डिनेट, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी हम लोग को जरूरत पड़ती है आपके कैलकुलेशन में सिंगल सर्कुलर कर्व के, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व को हम लोग बेसिकली, जो आपका फिगर आप लोग देखो, ठीक है, फिगर, ठीक है, तो जो हमारा क्या है कि लेंथ ऑफ कर्व हम लोग होता है क्या है, ठीक है। तो जैसे फिगर में देखिए, तो फिगर में ये आपका जो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस क्या है T1 C T2, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कर्व बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कर्व, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ कर्व, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं या इसका क्या फॉर्मूला होता है ये देखिए, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ कर्व इज गिवन बाय ठीक है, एल से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से, ये होता है 2 pi कैपिटल आर अपॉन 360 डिग्री इंटू डेल्टा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा पाई आर अपॉन 180 डिग्री डेल्टा, ठीक है, एल। ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली हम लोग को लेंथ ऑफ कर्व निकालने के लिए, वेयर वेयर एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व, आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्व, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा क्या आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेंथ ऑफ कर्व की कैसे हम लोग लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करते हैं। तो इस बेसिकली फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे, एल इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा अपॉन 180 डिग्री, और इससे हम लोग लेंथ निकालेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ कर्व निकालेंगे। एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि हम लोग एल को, ठीक है, जो लेंथ ऑफ कर्व है उसको हम लोग डिग्री ऑफ कर्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ठीक है, इन केस ऑफ डिग्री ऑफ कर्व, ठीक है, डिग्री ऑफ कर्व के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिग्री ऑफ कर्व के फॉर्म में मतलब कैपिटल डी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो जैसे हमको चीजें पता है, ठीक है, कि डिग्री ऑफ कर्व हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, या तो 20 मीटर चेन को लेते हैं या 30 मीटर चेन को लेते हैं और उसके अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 30 मीटर चेन ले रहे हैं, फॉर 30 मीटर आर्क ले ले रहे हैं, ठीक है, फॉर 30 मीटर आर्क लेंथ, 30 मीटर आर्क लेंथ के लिए हमारा जो एल का लेंथ ऑफ कर्व होगा, फॉर 30 मीटर आर्क लेंथ ऑफ कर्व इज गिवन बाई एल इज इक्वल टू 30 डेल्टा बाई डी, ठीक है, 30 डेल्टा बाई डी, इसको थोड़ा सा और शार्प कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टोटल, वेयर डी इज डिग्री ऑफ कर्व, वेयर डी इज डिग्री ऑफ कर्व और डेल्टा क्या आपका
डिफ्लेक्शन एंगल, वेयर डी इज डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, डी क्या आपका डिफ्लेक्शन एंगल है, क्लियर। तो लेंथ ऑफ कर्व हो गया कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे इन केस ऑफ उसके, ठीक है। तो लेंथ ऑफ कर्व जो होगा वो आपका फाइंड करेंगे हम लोग बेसिकली दो फॉर्मूले से, एक होगा जब रेडियस के फॉर्म में होगा तो वो पाई आर डेल्टा बाई 180 डिग्री होगा, और अगर हम लोग डिग्री ऑफ कर्व के फॉर्म में देखेंगे 30 डेल्टा बाई डी होगा, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है, नेक्स्ट हमारा जो आपका जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो कंपोनेंट है वो है आपका टेंजेंट लेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो क्या है, टेंजेंट लेंथ क्या होता है, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय टेंजेंट लेंथ, ठीक है। तो टेंजेंट लेंथ यहां पे देखिए, टेंजेंट लेंथ क्या होगा, ठीक है, टी वन से लेके, ठीक है, इस टी वन पॉइंट से लेके इस आई पॉइंट तक का जो लेंथ होगा, यहां तक का जो लेंथ होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंजेंट लेंथ। तो टेंजेंट लेंथ के लिए आपका क्या हो सकता है, ठीक है, कि लेंथ T1V की जो लेंथ होगी उसमें से अगर लेंथ ऑफ T2V हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो जो लेंथ होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, टेंजेंट लेंथ होगा, सब्ट्रैक्ट सॉरी यहां पे इक्वल होगा, ठीक है। तो टेंजेंट लेंथ क्या होगा, टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू टी वन आई इज इक्वल टू आई टी टू, इस फिगर में जो दिया है आपका, ये अगर फिगर को कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो टी वन से लेके आई तक का और आई से लेके टी टू तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, टेंजेंट लेंथ होगा, ये क्या होगा हमारा, टेंजेंट लेंथ होगा। तो इसका अगर हम लोग टोटल निकालें तो ये होगा, इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और ये होता है R tan डेल्टा बाई 2, T इज इक्वल टू R tan डेल्टा बाई 2, ठीक है, वेयर R इज रेडियस ऑफ कर्व, डेल्टा इज डिफ्लेक्शन एंगल, एंगल formed by the back tangent and forward tangent और backward tangent की वजह से जो deflection angle बनता है वो क्या होता है, delta होता है, और t क्या है आपका, t is tangent length, t is known as tangent लेंथ, क्लियर। तो ये आपका हो गया टेंजेंट लेंथ, ठीक है, क्लियर। तो टेंजेंट लेंथ निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू टेन डेल्टा बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो यहां इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लेते हैं, ये होता है आपका लेंथ ऑफ, और इसको हम लोग लिख लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, बेसिकली जो चीजें होती है वो होती है लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसको हम लोग कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फिगर में देखते हैं कि हमारा लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा, तो लॉन्ग कॉर्ड क्या होगा आपका, टी वन डी से टी टू तक ये डिस्टेंस होगा, एक बार मैं इरेज करके सारी, यहां से देखे, यहां से लेके टी वन डी टी टू ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब टी वन डी टी टू ये क्या होगा, लॉन्ग कॉर्ड होगा, ये क्या होगा, लॉन्ग
कॉर्ड होगा, ठीक है। ये क्या डिस्टेंस कौन सी है, लॉन्ग कॉर्ड की डिस्टेंस है, क्लियर, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ इज इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2r साइन डेल्टा बाई 2, ठीक है। ये जो लेंथ है वेयर l इज इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2, वेयर l इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड r क्या है, r इज इक्वल टू रेडियस और डेल्टा क्या आपका डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा क्या आपका डिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने के लिए हम लोग बेसिकली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है एपेक्स, ठीक है। एपेक्स या एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ई इज इक्वल टू आर सेक डेल्टा बाई 2 माइनस 1 और आर इसको एक्स सेक्स डेल्टा बाई 2 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेसिकली एक्सटर्नल डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। मिड ऑर्डिनेट m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका r माइनस r cos डेल बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा r 1 माइनस cos डेल बाई 2, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं r वर साइन डेल बाई 2, ठीक है। तो इसीलिए इसको मिड ऑर्डिनेट को वर्स्ट साइन भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, वर साइन ऑफ द कर्व भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर साइन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए जिनका हम लोग यूज करते हैं आपके एलिमेंट्स ऑफ कर्व को निकालने में, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ कर्व को निकालने में, ठीक है। तो ठीक है, इसको वन बाय वन यहां भी देख लेते हैं क्या होता है। तो एलिमेंट्स ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व, लेंथ इफ द कर्व इज डेजिग्नेटेड बाय रेडियस, तो रेडियस के टर्म में क्या होता है, एल इज इक्वल टू आर डेल्टा पाई बाई 180, और अगर 20 मीटर का हम लोग आर्क लेते हैं तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डेल्टा बाई डी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली लेंथ ऑफ कर्व। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट लेंथ, तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डेराइव देखा, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, आर टेन डेल बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट होता है आपका कॉर्ड लेंथ, तो कॉर्ड लेंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर में टी टू इज अ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी वन डी, ठीक है। तो लॉन्ग कॉर्ड क्या हो जाएगा, टी वन डी का ट्वाइस हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली साइन डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में एंगल निकालेंगे और यहां से हम लोग लेंथ निकालेंगे, लेंथ इज इक्वल टू 2r साइन डेल्टा बाई 2, क्लियर। तो ये जो है इसके लिए आपको इस चीज के लिए फॉर दिस रिफर फिगर, फॉर दिस रिफर फिगर जो आपका फिगर है यहां पे, ये जो फिगर है इससे यहां से हम लोग निकाले हैं साइन डेल्टा बाई 2 और वो करके, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो गया, 2r साइन डेल्टा बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सटर्नल डिस्टेंस क्या होता है, तो एक्सटर्नल डिस्टेंस हम लोग r इज इक्वल टू सेक डेल्टा माइनस 1, या इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू एक्स एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं e इज इक्वल टू r एक्स एक्स डेल बाई 2, ठीक है। ये भी कहीं कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है डायरेक्ट कि ये फॉर्म में ये एपेक्स का फॉर्मूला है कि नहीं है। लास्ट जो आपका आ रहा है मिड ऑर्डिनेट, ठीक है,
ठीक है, लास्ट आपका क्या है मिड ऑर्डिनेट, जिसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू वर माइनस कॉस डेल बाई टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं M इज इक्वल टू R वर साइन डेल बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा वर साइन डेल बाई टू, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब एक चीज और इसमें जो आपका छूट रहा है वो है कि चेनेज ऑफ टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट के चेनेज हम लोग कैसे निकालेंगे। बहुत ही कॉमन वर्ड है चेनेज, क्या होता है बेसिकली डिस्टेंस होता है वन चेन लेंथ को, वन चेन लेंथ के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं चेनेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग चेनेज कैसे निकालेंगे बेसिकली आपका उसको देखते हैं, ठीक है। तो हम फिगर पे फिर से जाते हैं, फिगर से ही हम लोग चेनेज यहां देख लेंगे कि चेनेज क्या होता है। तो पहले सारी इरेज करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर सपोज हमको चेनेज निकालना है, ठीक है, हमको क्या पता होता है, ठीक है, गिवन अमाउंट क्या होता है, गिवन होता है आपका चेनेज ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट का चेनेज हमको गिवन होता है और हमको T1 का चेनेज और T2 का चेनेज पूछता है, ठीक है। तो चेनेज ऑफ T1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I माइनस टेंजेंट लेंथ करेंगे, I माइनस T करेंगे, तो वो क्या निकल जाएगा हमारा चेनेज ऑफ T1 निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चेनेज ऑफ T2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दो फॉर्मूला आएगा, या तो हम लोग क्या करेंगे चेनेज ऑफ T1 प्लस लेंथ ऑफ कर्व कर देंगे, लेंथ ऑफ कर्व, या फिर T2 को निकालने के लिए I का चेनेज दिया होगा और उसमें से हम लोग माइनस प्लस टेंजेंट लेंथ कर देंगे, प्लस टेंजेंट लेंथ कर देंगे, तो वहां से हमको चेनेज ऑफ T2 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दो फॉर्मूलेज हो गए कैसे हम लोग चेनेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन में यही चीजें पूछता है, एक जो पूछेगा वो क्या है आपका लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है, दूसरा आपका पूछेगा टेंजेंट लेंथ क्या होता है, तीसरा पूछेगा कि फाइंड द चेनेज ऑफ द पॉइंट ऑफ कर्व या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का चेनेज पूछ लेगा, नेक्स्ट चीज लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड पूछता है, नेक्स्ट अपेक्स डिस्टेंस पूछता है, और लास्ट जो होता है मिड ऑर्डिनेट के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिसको हम लोगों ने देख लिया कि क्या क्या होता है, लेंथ ऑफ कर्व हम लोगों ने देख लिया, टेंजेंट लेंथ देख लिया, नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड देख लिया, एक्सटर्नल डिस्टेंस या एपेक्स डिस्टेंस देख लिया क्या होता है, नेक्स्ट हम लोगों ने मिड ऑर्डिनेट देख लिया, और इन एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने वन बाय वन डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक आपका न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं या वैल्यूज क्या दी हुई होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मिड ऑर्डिनेट आप रहने दीजिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं और यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट चेनेज ऑफ At change of 1150.50 and the angle of deflection. सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया है, तो वो सेम चीज है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इज
60 डिग्री इफ द रेडियस ऑफ इफ द रेडियस ऑफ कर्व इज द रेडियस ऑफ कर्व इज 500 मीटर फाइंड द फॉलोइंग ठीक है। तो फाइंड क्या करना है आपको, फर्स्ट टेंजेंट लेंथ, बी लेंथ ऑफ कर्व, सी चेंज ऑफ पॉइंट एट कर्वेचर एंड टेंजेंसी, चेंज एट पॉइंट ऑफ कर्व एंड टेंजेंसी, ठीक है सी हो गया। डी आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ई आपको क्या फाइंड करना है, डिग्री ऑफ एंगल, डिग्री ऑफ कर्व, डिग्री ऑफ कर्व। और लास्ट एफ आपको फाइंड करना है, एपेक्स डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है लास्ट में, एपेक्स डिस्टेंस एंड मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में ये इतनी चीजें बोली गई हैं। पहला क्या है कि टू स्ट्रेट लाइन, क्या क्या रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, क्या कह रहा है, दो स्ट्रेट लाइन है ठीक है, इंटरसेक्ट एट इट चेनेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का चेनेज दिया हुआ, वो कितना है 1150.50, और जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस ऑफ कर्व दे दिया आपका 500 मीटर। आपको क्या फाइंड करना है, टेंजेंट लेंथ फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कर्व फाइंड करना है, चेनेज एट पॉइंट ऑफ कर्व एंड टेंजेंसी पे जो चेनेज होगा वो फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड फाइंड करना है, डिग्री ऑफ कर्व फाइंड करना है, एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो इन चीजों का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के चीजें कर सकते हैं। तो एक बार सारी वैल्यूज नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्यूशंस करते हैं ठीक है। तो आई थिंक वैल्यूज नोट हो गई होंगी, सारी क्वेश्चन नोट हो गए होंगे, तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मैं कलर का चेंज कर देता हूं, यहां से मैं सॉल्यूशन करता हूं ठीक है, इस पार्ट्स में मैं सॉल्यूशन करूंगा, आप इसको देख सकते हैं ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, आपका चेंजेस दे दिया है, आई का चेंजेस दे दिया है, तो आई का यहाँ चेंजेस लिख लीजिए आप 1150.50, ठीक है मीटर। नेक्स्ट आपका दिया है डिफ्लेक्शन एंगल, डेल्टा की वैल्यू दे दी गई है 60 डिग्री, डेल्टा क्या दिया 60 डिग्री दे दिया आपका। नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ, कैपिटल आर दे दिया गया है 500 मीटर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टेंजेंट लेंथ निकालना है, तो सबसे पहला निकालना है टेंजेंट लेंथ क्या होता है। तो टेंजेंट लेंथ का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट लेंथ का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, क्या होता है आर टेन डेल्टा बाई टू, क्या होता है आर टेन डेल्टा बाई टू, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आर टेन डेल्टा बाई टू, तो ये हो जाएगा आर कितना आपका 500, टेन 60/2 30 डिग्री हो जाएगा, यहां से टी का वैल्यू आ जाएगा आपका 268 पॉइंट, इसको कैलकुलेट करिए तो आपका वैल्यू कितना आएगा 268.68, कितना आ जाएगा आपका वैल्यू, मीटर, ठीक है। ए पार्ट निकल गया, नेक्स्ट आपका बी क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व, तो स्मॉल एल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर डेल्टा बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो आपका पाई हो जाएगा नेक्स्ट आर 500 इंटू 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, तो एल की वैल्यू आ जाएगी आपकी, कैलकुलेट करिए इसको, तो एल आ जाएगा आपका 523.60, ठीक है। कितना आ जाएगा 523.60 मीटर। नेक्स्ट आपका सी क्या है, चेंजेस निकालना है, ठीक है। तो चेंजेस निकालने के लिए हम लोगों को क्या था कि अगर T1 का चेंजेस निकालना है, मतलब पॉइंट ऑफ कर्व का निकालना है, ये PC, ठीक है, पॉइंट ऑफ कर्व का चेंजेस निकालना है, तो क्या हो जाएगा आई माइनस टेंजेंट लेंथ, आई माइनस टी, आई कितना आपका 1150.50 माइनस 288.68, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 861 पॉइंट आपका समथिंग, एट सिक्सटी वन पॉइंट एट टू सेंटीमीटर, ठीक है। अब टेंजेंसी का निकालना है, T2 का निकालना है, तो क्या करेंगे ये आपका हो जाएगा T1 प्लस L, तो T1 आपका 861.82 प्लस L कितना आपका 523.60, तो यहां से आपका कितना हो जाएगा 1385.42 मीटर, ठीक है। तो ये आपका निकल गया, हमारा टेंजेंट लेंथ निकल गया, लेंथ ऑफ कर्व निकल गया, और हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकल गया। तो तीन चीजें हम लोग की क्लियर हो गई। अब हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कर्व निकालना है, डिग्री ऑफ कर्व और एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट निकालना है, तो इसको नोट कर लीजिए।
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डी पॉइंट है वो क्या है, आपका लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, ठीक है। आपका डी क्या है, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2R sin डेल बाई 2, तो 2 × 500 × sin 30 डिग्री, इसको कैलकुलेट करिए, ये आपका आ जाएगा 500 मीटर, ठीक है। कैपिटल एल आ गया आपका 500 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ई है, डिग्री ऑफ कर्व निकालना है, तो कैपिटल डी हो जाएगा 1719 अपॉन आर, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1719 बाई 500, तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 3.44 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका ई पार्ट हो गया, ये आपका डी पार्ट हो गया, ये बी और सी हो गया। अब आपका लास्ट जो बचा है वो है एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। लास्ट आपका क्या बचा है, एपेक्स डिस्टेंस और मिड ऑर्डिनेट कैसे निकालना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर। ठीक है, तो लास्ट आपका जो है वो क्या है, आपका लास्ट आपका जो है ई हो गया, एफ आपका निकालना है, ठीक है। एफ क्या है, एपेक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो एक आपका एपेक्स डिस्टेंस है और एक आपका है मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। एक आपका क्या है, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो एपेक्स डिस्टेंस ई का फॉर्मूला होता है आपका आर sec delta by 2 - 1, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू रखिए 500 sec 30 डिग्री माइनस 1, इसको कैलकुलेट करिए, तो ये आपका आ जाएगा 77.3 मीटर, ठीक है। ई आ जाएगा, और मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है आपका r 1 माइनस cos डेल्टा बाई 2, तो ये हो जाएगा r की जगह आपको 500 रखिए, वन माइनस cos 30 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 500 वन माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 66.99 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे, मतलब जो भी न्यूमेरिकल आएगा आपका सिंपल सर्कुलर कर्व के एलिमेंट्स निकालने के लिए, वो बेसिकली क्या आएगा, थ्योरेटिकल पोर्शन ही आएगा, मतलब इन द सेंस कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल आएगा, कोई वैसा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। सारे बेस क्या होंगे, न्यूमेरिकल बेस फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सिंपल सर्कुलर कर्व देख लिया, लेंथ ऑफ कर्व क्या होता है उसका फॉर्मूला, टेंजेंट लेंथ उसका फॉर्मूला, नेक्स्ट लेंथ ऑफ कॉर्ड उसका फॉर्मूला, एक्सटर्नल या एपेक्स डिस्टेंस, मिड ऑर्डिनेट, ठीक है, फिर लेंथ ऑफ कर्व, सारी चीजें, फिर उस पर रिलेटेड एक हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेटिंग आउट ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व पढ़ेंगे, कि सिंपल सर्कुलर कर्व को कैसे हम लोग सेट आउट करते हैं ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड में कैसे उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं और कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को हम लोग को देखना है कि कैसे हम लोग उसको वो सेट आउट करते हैं या कैसे उसको हम लोग बेसिकली मेजर करते हैं, ठीक है, या कैसे उसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ग्राउंड में।
ओके, तो